नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। पद्मावती के सेट पर हुए हमले से सदमे में हैं रणबीर और शाहिद। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती में मुख्य भूमिका निभा रहे रणबीर सिंह और शाहिद कपूर ने जयपुर के जयगढ़ किले में फिल्म के सेट पर किए गए हमले की आलोचना की है। फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका निभा रहे रणबीर ने कहा कि उनकी मंशा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। रणबीर ने कहा कि जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब एक टीम की तरह फिल्म पद्मावती को बनाते वक्त राजस्थान के लोगों और राजपूत समुदाय की संवेदना और भावना का ध्यान रख रहे हैं। संजय सर भारत के सबसे दक्ष और प्रामाणिक फिल्म निर्माताओं में से एक हैं और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। फिल्म में राजा रतन सिंह का किरदार निभा रहे शाहिद ने भी भंसाली पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि हिंसा अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, काफी दुखद है, ये बताने के लिए शब्द बेहद कम है कि हिंसा अस्वीकार्य है। इस घटना से मुझे सदमा पहुंचा। वहीं इस घटना पर फिल्म पद्मावती में रानी पद्मावती का किरदार निभा रही दीपिका पादुकोण ने अपना बयान दिया। दीपिका ने लगातार 3 ट्वीट करके इस घटना पर दुख जताया। ट्वीट में दीपिका ने कहा कि कल की हुई घटना से बेहद दुखी हूँ।